मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हेरिंगटन स्कूल का कोच खराब परफॉर्मेंस के चलते अपने स्टूडेंट्स पर काफी गुस्सा होकर उन्हें वहां से भगा देता है। वो इतना गुस्सा था कि वहां रखी चीजों को तोड़ने लगता है। यहां उसे एक चीज भी दिखाई देती है जो काफी अजीब थी, और तभी कोई उसके पास आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो स्कूल के बजट पर डिस्कशन कर रहे थे। और कुछ देर बाद सभी यहां से जाने लगते हैं कि तभी प्रिंसिपल ड्रेक को याद आता है उसकी चाबी अंदर रह गई है, तो वो उसे लेने जाती है। तो तभी कुछ विलिस आकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। वो एक पेंसिल लेकर ड्रेक के हाथ में घुसा देता है, पर तभी यहाँ ड्रेक अपनी चाबियों से पंच करके वहाँ से भागने लगती है। पर विलिस मेन गेट पहले ही लॉक कर चुका था ताकि वो उसके हाथ से बचकर न भाग सके। और तभी वहाँ ड्रामा टीचर ओल्सन आती है, तो ड्रेक उसे बताती है विलिस पागल होकर उसे मारना चाहता है। यहाँ ओल्सन उसे बाहर निकलने के लिए मेन गेट की चाबियां लाने को बोलती है, और जब ड्रेक चाबियां लाकर लॉक खोलने लगती है तो तभी विलिस आकर उस पर अटैक करने लगता है। पर तब तक प्रिंसिपल ड्रेक बाहर निकलकर गेट वापस से लॉक कर देती है, लेकिन तभी टीचर ओल्सन को कुछ हो जाता है और वो सीजर घोंप कर प्रिंसिपल ड्रेक को मार डालती है। और फिर अगली सुबह हम केसी को देखते हैं जो डिलाइला को लाइक करता था, पर डिलाइला का पहले से ही बॉयफ्रेंड था जो सभी खेलों में मास्टर था। वही केसी एक लूजर था जिस वजह से डिलाइला उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। यहाँ स्टोकली नाम की लड़की भी होती है जिसके बारे में सब बोलते थे वो एक लेस्बियन है। और फिर हम मैरी बेथ से मिलते हैं जो यहाँ स्कूल में नहीं आई थी। इसके बाद हम आखिरी बंदे जीक से इंट्रोड्यूस होते हैं जो स्कूल में इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसे पेन में ड्रग्स भर के बेचने थे। और फिर स्टाफ रूम में बैठे टीचर्स को दिखाया जाता है जहाँ वो अपना अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर हम कोच विलिस को देखते हैं जो काफी सारा पानी पी रहे थे। इतना पानी पीना काफी हैरान करने वाली बात थी। और तभी टीचर ओल्सन भी आती है जो विलिस को देखने पर स्माइल करने लगती है। इन्हें देखने पर पता चलता है दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ केसी को एक अजीब से कीड़े जैसी चीज मिलती है जो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी। केसी उस चीज को उठाकर अपने साइंस टीचर के पास लेकर जाता है, पर वहाँ भी वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। पर तभी गलती से उस पर पानी गिर जाता है जिसके बाद वो चीज मूव करने लगती है। टीचर उस कीड़े जैसी चीज को पानी में छोड़ देता है जिसके बाद वो तैरने लगती है। और जैसे ही टीचर पानी के अंदर उस चीज को टच करता है तो वो अचानक से दो बन जाती है और ग्रो करने लगती है। ये सब देखने पर सब हैरान थे। और टीचर फिर से उसे टच करने लगता है तो वो चीज उसे काट लेती है, जिसके बाद साइंस टीचर उस चीज को यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला करता है ताकि रिसर्च के बाद पता चले आखिर वो है क्या। एक तरफ डिलाइला का बॉयफ्रेंड स्टेन सावर ले रहा था, तो तभी उसकी एक टीचर आती है जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है उन पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे कोई नहीं बच पाएगा। तभी केसी भी वहां आता है तो स्टेन उसे हेल्प के लिए किसी को बुलाने भेजता है। और फिर स्टेन टीचर को पकड़ने लगता है तो उसके हाथ में टीचर के काफी सारे बाल आ जाते हैं, जिसके बाद टीचर की मौत हो जाती है। और फिर ओल्सन उन्हें बताती है उनकी टीचर को कैंसर था जिस वजह से वो मर गई। लेकिन इन लोगों को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। केसी और डिलाइला स्टाफ रूम में जाते हैं, पर तभी वहाँ कुछ विलिस और ओल्सन आने की वजह से उन्हें वहीं छुपना पड़ता है। और फिर ये देखते हैं कि दोनों टीचर फिर से काफी सारा पानी पीने लगते हैं। और पार्क में भी केसी ने कोच को पानी से भीगता देखा था। उसे लगता है पानी से जुड़ा ही कोई न कोई राज जरूर होगा। और इसी बीच वहाँ स्कूल की नर्स हार्पर आती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर ये विलिस का भयानक रूप देखते हैं जो उसी क्रीचर को हार्पर के कान में डाल देता है। ये सब देखने पर डिलाइला काफी डर जाती है, जिसकी चीख निकल जाती है। और तभी विलिस भी वो चीख सुन लेता है, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है केसी विलिस को धकेलते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ उसके सामने प्रिंसिपल ड्रेक आ जाती है जो कि अब भी जिंदा थी, पर वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। और तभी पीछे से उन दोनों टीचर के साथ वो नर्स भी सही सलामत आकर खड़ी हो जाती है जो अब उनकी तरह ही उनके जैसी हो गई थी। ये सब देखने पर डिलाइला और केसी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद केसी अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस को भी वहां लाता है, जिसके बाद छानबीन होती है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। और फिर ड्रेक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में लेकर जाती है ताकि उसे अच्छे से यकीन हो सके यहाँ पर कुछ नहीं है। पर वो लोग जब बाहर आते हैं तो केसी देखता है वो पुलिस ऑफिसर भी अब उसी क्रीचर के कारण कुछ बदल गया है। दरअसल ये एक एलियन पैरासाइट क्रीचर था जो इंसान के अंदर घुसकर सब अपने कंट्रोल में कर लेता है, और फिर बाकी लोगों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि उनकी
उनकी आबादी बढ़ सके। इसके बाद हम केसी और उसके घर पर देखते हैं, जिसके मोम डैड सोचते हैं केसी ड्रग्स लेने लगा है, इसलिए वो उसका फोन छीन कर उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। पर केसी विंडो से बाहर भागने लगता है तो तभी वो अपने टीचर्स को देखता है जो उसके घर के बाहर खड़े थे। ये देखने पर वो डर कर नीचे गिर जाता है तो वो टीचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं तो वो देखता है टीचर्स गायब हो चुके थे। ये सब देखकर केसी काफी डर चुका था, वो स्कूल जाने से भी मना करता है, कहीं वो लोग उसे भी अपने जैसा न बना दे। पर उसके डैड उसे अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़कर आते हैं। और फिर हम ड्रेक और नर्स हार्पर को देखते हैं, जो सभी बच्चों के चेकअप के नाम पर उनके अंदर वही पैरासाइट क्रीचर डाल रहे थे, ताकि काफी जल्दी फैले इस शहर पर, फिर पूरी दुनिया पर एलियंस का राज हो सके। दूसरी तरफ केसी स्टोकली से इस बारे में डिस्कस करके स्टेन और डिलाइला के साथ उसी साइंस रूम में जाते हैं जहाँ उन्होंने पैरासाइट क्रीचर को रखा था, पर वो देखते हैं वो क्रीचर वहाँ से गायब था। इसी बीच जीक और मैरी बेथ भी उनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाते हैं, और कुछ देर बाद जब साइंस टीचर वहाँ आता है तो वो उससे क्रीचर के बारे में पूछते हैं वो कहाँ गया, तो वो टीचर कुछ बताने की बजाय सभी पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो भी क्रीचर के कंट्रोल में था। पर तभी जीक एक हथियार से टीचर पर अटैक करता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं, पर वो उंगलियां किसी कीड़े की तरह भागने लगती हैं, जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। और फिर टीचर के क्रीचर छोड़ने से पहले केसी ड्रग्स से भरा फेन उसकी आंख में मारता है, जिससे टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी मिलकर जीक के घर जाते हैं जहाँ जीक ड्रग्स बनाता था। ये वहाँ एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उन एलियंस क्रीचर को सिर्फ ड्रग्स से मारा जा सकता है, पर यहाँ इन्हें एक दूसरे पर भी शक होता है, कहीं कोई क्रीचर के कंट्रोल में तो नहीं है। तो ये बारी बारी से ड्रग्स लेकर दिखाने लगते हैं कि वो ठीक हैं, पर जब डिलाइला की बारी आती है तो वो डर कर अपने असली रूप में आकर भाग जाती है, वो भी उनके कंट्रोल में थी। जिसके बाद ये प्लान करते हैं, अगर एलियन क्रीचर्स क्वीन को मार दिया जाए तो बाकी क्रीचर्स खुद ही मर जाएंगे। और फिर ये सभी जाकर प्रिंसिपल ड्रेक को गोली मार देते हैं, ये सोचते हैं उन्होंने गलत लेडी को मार डाला। पर तभी ड्रेक वापस से उठकर अपने असली रूप में आती है तो ये लोग ड्रग डालकर उसे मार डालते हैं, जिसके बाद ये सोचते हैं अब सब ठीक हो गया, लेकिन ये सिर्फ इनकी गलत फहमी थी। स्टेन ग्राउंड में जाता है तो वहाँ कुछ प्लेयर्स के साथ पानी से एनर्जी ले रहे थे, और फिर स्टेन वापस बाकी फ्रेंड्स के पास जाता है तो वो उसे बाहर ही रोक कर ड्रग्स लेने को बोलते हैं, पर स्टेन वो ड्रग लेने की बजाय नीचे गिरा देता है, यानी वो भी उनके जैसा बन चुका था। इनके पास अब ड्रग्स भी खत्म हो चुका था, लेकिन जीक को याद आता है उसकी गाड़ी में अभी भी ड्रग्स है, तो जीक और केसी वो लेने जाते हैं, तो रास्ते में ही कोच और उसकी टीम केसी के पीछे पड़ जाती है। वहीं जीक गाड़ी की डिग्गी में देखता है ड्रग्स गायब है, वो गाड़ी के अंदर रखे कुछ फैंस लेकर जाने लगता है तो तभी उनकी टीचर आकर उसमें क्रीचर डालने लगती है, पर तभी जीक गाड़ी एक्सीडेंट करके उसे मार डालता है। पर तभी जीक देखता है उसकी टीचर का सिर ऑक्टोपस की तरह चलता हुआ उसके पास चला जाता है, जो काफी डरावना सीन था। जीक ड्रग के कुछ फैन लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ मैरी बेथ जो असली एलियन क्रीचर क्वीन थी, जो केसी और स्टोकली पर अटैक करने लगती है, तो ये जान बचाते हुए लॉकर रूम में जा छिपते हैं। पर वहाँ जीक आता है तो स्टोकली उसे मैरी बेथ के बारे में बताती है वो असली क्वीन है, पर यहाँ जीक को पता चलता है स्टोकली भी अब क्रीचर्स के कंट्रोल में है, तो वो उसे एक जगह बंद कर देता है। लेकिन इसी बीच मैरी बेथ जीक पर अटैक करके बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो केसी का पीछा करने लगती है, पर वो उसे एक लोहे की सीढ़ियों में फंसा कर उसकी आंख में ड्रग्स का फेन घुसा देता है, जिसके बाद क्वीन मारी जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद केसी स्कूल का हीरो बन जाता है और डिलाइला भी उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।